नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आज लाइव 24 न्यूज के स्टूडियो से हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनका शिक्षा जगत में काफी योगदान है, और कभी बच्चों की पढ़ाई को लेकर तो वहीं शिक्षकों की लड़ाई को लेकर हमेशा तत्पर रहते हैं। यह कोई और नहीं, हमारे जिले और प्रदेश का जाना माना चेहरा डॉक्टर आरपी मिश्रा जी हैं। नमस्कार सर, हमारे लाइव 24 न्यूज के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है सर आपका, कि आपने अपने जीवन की शुरुआत किस रूप में की जिसकी वजह से आप यहाँ हैं? देखिए, मेरी चॉइस शिक्षक बनने की थी और मैं शिक्षक बना। 1975 में क्वींस इंटर कॉलेज लखनऊ में मैं जीव विज्ञान प्रवक्ता पद पर नियुक्त हुआ, और उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान कर सकते थे वो किया, बच्चों के लिए अध्यापन कार्य किया। इसके बाद वर्ष 2000 में मैं प्रधानाचार्य के पद पर हुआ, लेकिन इसी के साथ मैं 1983 से माध्यमिक शिक्षक संघ की जिला कार्यकारिणी में सदस्य और पदाधिकारी के रूप में लगातार कार्य करता रहा। 1990 में मैं जिला मंत्री बना, इसके बाद जिला अध्यक्ष बना, और 1998 के बाद मैं फिर प्रदेश कार्यकारिणी में आया, प्रदेश में मैं प्रदेशी मंत्री बना, मैं प्रवक्ता बना माध्यमिक शिक्षक संघ का, और तब से बराबर शिक्षा जगत में। चूँकि एक मेरा जो भगवान भक्त सिंह जी थे यहाँ के MLC, उनकी डेथ हो गई, मर्डर हो गया था, और मर्डर के बाद मुझे लगा उनका मर्डर जो माफिया लोग थे उनकी सह पर हुआ था, इससे बहुत मुझे कष्ट हुआ था। उनके मैं बराबर उनके साथ रहता था, तो उनके मर्डर के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये इन माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जाना चाहिए था, और तब से मैं बराबर जो शिक्षा जगत में, शिक्षा में जो भी माफिया, चाहे वो नकल माफिया हो, चाहे वो विद्यालयों में कब्जा करने वाले शिक्षा माफिया हो, बराबर मैं उनके खिलाफ संघर्ष करता रहता हूँ, मैंने किया है और ये आगे भी जारी रहेगा। सर, आपके सामाजिक और पारिवारिक जीवन में कितना, मतलब आप मजबूत आप प्रतीत होता है? जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। यद्यपि कठिनाई हो सकती थी कि मेरे परिवार में मेरे बच्चे और मेरी पत्नी, क्योंकि मेरा ज़्यादातर समय बाहर बीतता है। सुबह में जब मैं प्रधानाचार्य था और शिक्षक था तो विद्यालय सुबह आता था, प्रधानाचार्य बनने के बाद जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ी, तो ये लगता था कि, और क्योंकि उसके बाद संगठन के कार्यों में व्यस्त रहता था तो रात हो जाती थी घर पहुँचने में, पूरा समय मेरा बाहर रहता था, तो एक कठिनाई ये ज़रूर पहले लगी कि ऐसा ना हो कि भाई बच्चे और परिवार इसको अदरवाइज फील करें और हमारे इन कामों में रुकावट हो, लेकिन मेरी पत्नी और मेरे बच्चों ने, और विशेष रूप से पत्नी ने बहुत सहयोग किया कि उन्होंने कभी कोई उनको दिक्कत नहीं हुई कि हम, अगर जब संघर्ष अगर होता था तो रात में 10-10, 11-11 बज जाता था, सुबह निकले हुए रात में पहुँचते थे, कोई दिक्कत नहीं हुई, और उन्होंने पूरा सहयोग किया। जब मैं सुबह निकलता था तो पूरी जो भी व्यवस्था दिन भर की होती थी, खाने की, नाश्ते की, लंच की, सब वो करती थी, तो मुझे पूरा बहुत सहयोग मिला अपने परिवार की ओर से। इसीलिए आज इस स्तर पर मैं पहुँचा हूँ कि कहीं कोई बात होती है तो मैं उस संघर्ष में आगे से आगे आ जाता हूँ, क्योंकि हमारे पीछे पूरा परिवार हमारे साथ रहता है। मिश्रा जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है, पुराने समय से ये सर्वविदित है कि विद्या के रूप में लोग कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम। पहले ये बात होती थी विद्या ददाति विनयम, लेकिन आज विद्या ददात नौकरी की भावना लोगों में जागृत हो गई है, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, पहले शिक्षा को एक लोकोपकार की दृष्टि से देखा जाता था, विद्यालय भी उसी आधार पर संचालित होते थे, स्थापित होते थे, और लोकोपकार के लिए लोग कार्य करते हैं। आज शिक्षा व्यवसाय हो गया है, और शिक्षा के बाद जो नौकरी है, ये शिक्षा के द्वारा नौकरी पाए जाने या उसको प्राप्त करने के लिए सब जोड़ तोड़ लगी हुई है। आज अगर शिक्षा नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगी, लोग इसके लिए ज़्यादा प्रयास करते हैं, तो एक जो पठन पाठन की स्थिति थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी, और अब चूंकि नौकरी
और वो भी अंकों के आधार पे होने लगे कंपटीशन होते हैं, उनकी योग्यता नहीं देखी जाती, अगर वो अंक उनके अधिक हैं ज़्यादा हैं तो उस आधार पे नौकरी मिलने की शुरुआत हुई और इसलिए लोग भागने लगे और उसको एक इस तरह से शिक्षा को ग्रहण करने लगे कि हमें नौकरी मिलनी है, इससे नौकरी के लिए, स्वाध्याय के लिए शिक्षा नहीं लोग ग्रहण करते, लोग इसलिए नहीं करते कि उससे हमें कोई नॉलेज चाहिए, पढ़ करके केवल अंक लाने हैं, एक अंक लाने की जो प्रवृत्ति आई है ये बहुत ही खतरनाक। अच्छा मिश्रा जी, जैसे शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है और एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेटम से लिया गया है, ई माने होता है अंदर, डू माने होता है बाहर करना, किसी की छुपी हुई प्रतिभा को बाहर करना ही शिक्षा है, लेकिन क्या आज आप देखते हैं कि लड़का किस लेवल का है या नहीं है, उसको निरुद्देश हाई स्कूल इंटर बीए एमए कराया जाता है तो फिर क्या इससे आप अवगत, इससे आप सक्षम मानते हैं कि ये सही प्रक्रिया है या उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा उसको बाहर करना ज़्यादा सही मायने में सही होता? नहीं, होना यही चाहिए कि जो प्रतिभा है, और यही काम होता है शिक्षक का कि जो बच्चों में प्रतिभा है उसको उभार करके सामने लाए, बाहर लाए, ऐसे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनकी प्रतिभाएं जरूर विकसित होती हैं और वो आगे चल करके अपना नाम भी करते हैं, उनका आगे योगदान भी बहुत होता है, लेकिन जो सामाजिक परिवेश है वो बदल गया है। अब समाज में, घर में भी जो बच्चे पहले होते थे, संस्कार विकसित होते थे, बच्चों के संस्कार होते थे, घर से ही उसकी शुरुआत होती थी, विद्यालय बच्चे जाते थे तो वो शिक्षा ग्रहण करते थे, उनके संस्कार भी डेवलप होते थे, लेकिन आज की स्थिति बदल गई है। समाज में जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स भी बच्चों पर ध्यान उतना नहीं देते, वो ट्यूशन लगा देंगे, कोचिंग में भेज देंगे, लेकिन जो उनको मूल शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को वो नहीं दे पाते हैं, उनका विकास जो होना चाहिए बच्चों की अंदर की प्रतिभा का वो कम होता है। सभी बच्चे नहीं होते, वो भी जानते हैं कि हम पढ़ करके हमें पास होना है, हमें केवल अंक लाने हैं, अंक ला करके, और जो पेरेंट्स हैं वो भी दबाव बनाते हैं कि वो हमारे पड़ोस में बच्चा है, वो प्रथम आया, उसके इतने परसेंट नंबर हैं तो आप भी लाइए, तो एक मानसिक दबाव भी बच्चों पर रहता है। अच्छा अच्छा मिश्रा जी, जैसे जब से आप संगठन में आए, तमाम आंदोलन, तमाम लड़ाइयाँ आपने लड़ी, और उन सभी लड़ाइयों में वो कौन सी लड़ाई रही जो आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन लाई और उसको आप हमारे इस अलाइव 24 स्टूडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे? देखिए, हमारे संघर्ष तो कई ऐसे हुए हैं जो यादगार हैं। एक यहाँ लखनऊ में खालसा इंटर कॉलेज है, खालसा इंटर कॉलेज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, यहाँ के बग्गा साहब हैं वो प्रबंधक हैं, माफिया कहे जाते हैं, और वहाँ के शिक्षक वहाँ पर उत्पीड़न का उनका शिकार हो गए थे, उत्पीड़न हो रहा था, और एक ऐसी व्यवस्था हो गई थी जो गुलामी की स्थिति बताती है कि वहाँ कोई शिक्षक कितना उसको प्रताड़ित किया जाता था कह नहीं सकता था, ज़बरदस्त वसूली होती थी। अगर किसी शिक्षक ने वहाँ पर कोई आया, लेट आ गया, तो लेट आने पे उसको उस दिन की अवकाश तो लेना ही होता था, पैसे देने पड़ते थे। ये जानकारी हमको मिली, हमने कोशिश करी कि वो शिक्षक हमारे संगठन के सदस्य बने भी चोरी छुपे, लेकिन इसके बाद में उनकी सदस्यता तक प्रबंधक ने वापस कराई, और वहाँ पर इतना उत्पीड़न हुआ कि करीब 3 शिक्षक टर्मिनेट कर दिए गए। जब वो हमसे जुड़ने लगे, उनके कहने सीधे सीधे जब जुड़ाव हुआ तो वो जो उनके अत्याचार थे उससे थोड़ा प्रतिरोध होने लगा, करीब 8 शिक्षक सस्पेंड हो गए, 13-14 शिक्षकों के प्रतिकूल प्रविष्टियां हो गई। इसके बाद आंदोलन वहाँ पर हमने, और इसके बाद बेचारे इतने टीचर डर गए कि सदस्यता संगठन की छोड़ दी। वहाँ पर 2 लोग ऐसे थे, हमने आंदोलन एक लगाया, धरना यहाँ पर शिक्षा भवन में, उस शिक्षा भवन में 1 चपरासी और 1 वहाँ का, 2 चपरासी केवल सम्मिलित हुए, कोई शिक्षक नहीं आया, इतना दबाव था। हमारे साथ के लोग कहने लगे कि भाई मिश्रा जी, आप जिनके लिए आंदोलन कर रहे हैं वो तो आपके साथ आए नहीं, तो हम लोग ये धरना क्यों बैठे हुए बेकार में? हमने कहा नहीं, कहीं ना कहीं अभी उनको हमारे ऊपर विश्वास नहीं पैदा हुआ है। अगर उनको विश्वास हो जाएगा कि हम पूरा प्रोटेक्ट कर लेंगे, बचा लेंगे, तो निश्चित रूप से आएंगे, और एक दिन वो ऐसा आएगा। हम संघर्ष में लगे रहे, फिर उसने बग्गा साहब ने ये कहा कि आरपी मिश्रा है, हम इनके, अगर हमने आतंकवादी पाल रखे हैं और अगर गेट हमारे इधर आ जाएंगे तो हम उनके गोली मरवा देंगे, उनके पैर कटवा देंगे। हमने उसके बाद बैठक करके निर्णय किया और वहीं खालसा इंटर कॉलेज गेट पर मैंने एक धरना लगाया, एक कार्यक्रम मैंने किया, डीबी इंटर कॉलेज से लेकर के वहाँ तक मैंने एक शांति मार्च निकाला, उनके खिलाफ विरोध मार्च हमारा निकला,
और कुछ ऐसा मना कि शिक्षक हमारे साथ जुड़ने लगे, जो अब नहीं आते थे, चोरी चोरी आते थे, खुल करके आने लगे। और परिणाम ये हुआ कि उनके विभागीय ऐसा कार्रवाई भी हमने उनकी अनियमितताओं के खिलाफ विभाग में भी किया। डीएम साहब ने कमेटी बना दी थी, जो एक अधिकारियों की उनके खिलाफ एक कंट्रोलर बैठाने की कमेटी भंग करने की, बग्गा साहब बाध्य हुए, बाध्य होकर के वो समझौते के लिए दौड़ने लगे। तो हमारे प्रदेशीय अध्यक्ष माननीय शर्मा जी के पास गए। हमारे शर्मा जी तो बहुत ही अच्छे हमारे, इसीलिए हमारे हुआ है कि उन्होंने कहा इसमें मैं कोई बात नहीं करता, आप जाइए वहीं मिश्रा जी से, जिला संगठन से बात करिए। फिर वो मेरे पास आए और दिखाने लगे, मिश्रा जी मैं चाहता हूँ, ले करके हमारे परिचित दो लोग थे वही क्वींस कॉलेज में। चलिए ठीक है मिश्रा जी, एक अंतिम प्रश्न मेरा राजनीतिक स्तर से आपसे है कि शिक्षा का जो स्तर आपके हिसाब से सपा बसपा की गवर्नमेंट में अच्छा रहा या उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में? देखिए बड़ी उम्मीद थी जब नई सरकार योगी जी मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने घोषित किया था कि हम शिक्षा में एक भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस, सबसे ज़्यादा दिक्कत थी भ्रष्टाचार शिक्षा में था। हम चाहेंगे मिश्रा जी बस आप ये बताएं हमें कि शिक्षा का स्तर सपा बसपा में अच्छा था या भाजपा में, हाँ या ना, किस में अच्छा था, सपा बसपा या भाजपा? नहीं, मुझे तो लगता है कि कुछ ज़रूर सुधार है भाजपा में, लेकिन वो स्तर नहीं है जैसा कि चाहिए था, क्योंकि भ्रष्टाचार तो अभी पूरा बना हुआ है, कहीं दूर नहीं हुआ। जो स्थितियां होनी चाहिए थी, शिक्षकों की कमी है, गुणवत्ता परक शिक्षा नहीं दी जा रही है, शिक्षक नहीं नियुक्त हो रहे हैं, वो स्थितियाँ हैं, विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सारी चीज़ें वैसी बनी हुई हैं, तो मैं नहीं कह सकता कि शिक्षा का स्तर भाजपा सरकार में भी अच्छा हुआ। इस प्रकार आपने देखा कि डॉक्टर आरपी मिश्रा जी ने अपने जीवन से के शुरुआती पल से लेके विभिन्न बिंदुओं पर हमारे लाइव 24 के चैनल स्टूडियो से अपनी तमाम सारे बातें रखी और बेबाकी से सारे प्रश्नों का जवाब दिया। कैमरा पर्सन जिसान के साथ मैं धर्मेंद्र सिंह, लाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे लाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।